नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गुजरात में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए आज बीजेपी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। दोपहर करीब 2 बजे भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आपसे कुछ ही देर में गांधीनगर में हुई विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आई राजनाथ सिंह, बीएस येदुरप्पा और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों और विधायकों का आभार जताया। बता दें कि गुजरात के 182 सीटों में से 156 सीटों पर विजय हासिल करके बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने भूपेंद्र पटेल के विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। उनका कहना है कि भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी चर्चा होगी। गुजरात में पिछली बीजेपी सरकार के दौरान मंत्री रह चुके कई ऐसे नेता हैं जिन्हें 2022 के चुनाव में टिकट दिया गया और उन लोगों ने शानदार जीत भी हासिल की है। इसमें हर्ष संघवी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अच्छे जिम्मेदार गृह मंत्री साबित हुए। किरीट सिंह राणा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभाल चुके हैं। कनु देसाय वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। जगदीश विश्वकर्मा, ऋषिकेश पटेल, गणपत वसावा, जयेश रडादिया और कुंवर जी बवारिया जैसे अनुभवी नेता हैं जो कि जातिगत समीकरणों में भी फिट बैठते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ सैयद मेरे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, सरकार बनाने का दावा पेश कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल करने वाले हैं, भारी उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल काजोल, देखिए जिस तरीके से बंपर जीत हासिल किए गुजरात में एक बार फिर, जना यूं कहिए कि 27 साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ वहां पे किया गुजरात में। आज 2 बजे के आसपास राज्यपाल से मिलेंगे भूपेंद्र पटेल और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जिस तरीके से केंद्रीय बैठक हुई उसमें भूपेंद्र पटेल के नाम की चर्चा हुई और उस पर मुहर लगाई गई, एक बार फिर भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान दी गई है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों को मिल सकती है जिन्होंने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। नए लोगों को भी टिकट मिला था, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या लगता है इस बार गुजरात में नेताओं का चयन किस लिहाज से होगा? देखिए काजुल, जिस तरीके से 40 नए लोगों को एंट्री दी गई, उनको टिकट दे गया, चुनाव जीत के जो आए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अब उनमें नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में होंगे वो नए चेहरों में जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है उनको। तो आने वाले दिन में करीब 12 तारीख तक ये क्लियर होगा कि किसको कहां से आ जाए, क्योंकि अभी उनके नामों पर, मंत्रिमंडल के नामों पर भी चर्चा हो रही है और वो कई सारे ऐसे नाम नए हैं जो इस बार गुजरात में कमान संभालेंगे। जी ठीक है सर, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल, और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी जल्द होने जा रहा है। हालांकि तारीख जो है वो 12 दिसंबर की तय हुई है, लेकिन आज ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि कब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े चेहरे, अर्जुन मुंडा, तमाम लोग यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पुलिस ने कुर्की का नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने भदौरिया के इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित घर के अलावा चिन्हट स्थित फार्म हाउस पर इस नोटिस की प्रतिलिपि चस्पा करते हुए उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने को कहा गया। चेतावनी दी है कि हाजिर नहीं होने पर इस नोटिस के तहत आगे की कार्रवाई होगी, इसमें उनकी संपत्तियों को अटैच कर लिया जाएगा। लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई एक टीवी डिबेट में अनुराग भदौरिया के बयान को लेकर की है। पुलिस के मुताबिक टीवी डिबेट के दौरान सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु अवैधनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये मामला 11 नवंबर का है। इस संबंध में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो बाजपाई ने हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बाजपाई ने अनुराग भदौरिया के खिलाफ लोक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मुख्यमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाने का भी आरोप लगा दिया।
लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद भी सपा नेता अनुराग भदौरिया अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुए, इसकी वजह से मामले की जांच आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उनके खिलाफ नोटिस जारी करवाया है। पुलिस ने बताया कि नोटिस की प्रतिलिपि अनुराग भदौरिया के घर और फार्म हाउस पर चस्पा कर दी गई है। यदि इसके बाद भी वो हाजिर नहीं होते तो संपत्ति अटैच करा दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर पुलिस के सामने बयान नहीं दर्ज कराएंगे तो फिर जो उनका फार्म हाउस है, जो उनका घर है, उसकी कुर्की हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काफी ज्यादा डिबेटों में बैठते भी थे और बयान भी देते थे, लेकिन 11 नवंबर को उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके ग्रुप पर एक आपत्तिजनक बयान था, जिसको लेकर के हजरतगंज थाने में हीरो वाजपेयी जो भाजपा प्रवक्ता है उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज कराने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आक्रोश था और समाजवादी पार्टी पर आरोप था। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया पर जो FIR दर्ज हुई थी, जो मौके से फरार हो गए। हालांकि लखनऊ पुलिस इनको तलाशने में काफी ज्यादा व्यस्त भी दिखाई दी है, एक बार नहीं कई बार दबिश दी गई, लेकिन अनुराग भदौरिया का कहीं कोई पता या सुराग नहीं लग सका, जिस कारण आज अनुराग भदौरिया पर हाजिर होने के लिए लखनऊ पुलिस द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई उन पर की जाएगी, जिनके संपत्ति उस मामले में अटैच कर दी जाएगी, यानी कि जब वो हाजिर होंगे। दानिश, क्या आपने बयान को लेकर अनुराग भदौरिया ने कोई माफी मांगी है या ऐसी माफी वो मांग सकते हैं, कोई अपडेट? क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है जीत का, मैनपुरी में जिस तरह से डिंपल यादव की जीत हुई है, तो सपा ये कतई नहीं चाहेगी कि उनके ऐसे बड़े चेहरों पर कोई भी आ जाए। नहीं देखिए, अभी जैसे मैंने बताया इससे पहले भी, देखिए एक मामला चल रहा था टीटी वकील के द्वारा, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वैसी पर भी धार्मिक भावनाओं को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया था कोर्ट। अब इसके बाद जो हीरो वाजपेयी के भाजपा प्रवक्ता है, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया पर FIR दर्ज करा दी है, मुख्यमंत्री को शब्द कहने उनके गुरु पर, तो अनुराग भदौरिया की तरफ से तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये फरार है। हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर रिएक्शन मिल रहा है कि इस मामले पर ना तो उन्होंने कुछ गलत को गलत कहा है ना सही को सही कहा है, खामोशी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया ने इस संबंध में अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है, शायद उनको अपने किए बयान पर ये पछतावा नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अनुराग भदौरिया की नजर में वो बयान सही हो सकता है, इसलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी है। लेकिन कानूनी कार्रवाई का शिकंजा उनके ऊपर कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, उस कानूनी शिकंजे में उनको बयान देना पड़ेगा, पुलिस 41C का नोटिस देगी तो जाहिर सी बात है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, बिना बयान के चार्जशीट आगे नहीं बढ़ेगी, जिसको लेकर के आज कुर्की की कार्रवाई करने की संभावना के तहत तो ये बताया गया है। मुश्किलें यानी बढ़ सकती है आगे और ज्यादा। अनुराग भदौरिया की फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दानिश। मथुरा में चर्चित नाबालिग पीड़िता की रेप के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी और 45,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल DGC पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना जैत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की शाम को जैन निवासी सतीश उनकी 10 साल की बेटी को घुमाने के बहाने ले गया, उसकी बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को PMB पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर कई धाराओं में साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है। आदेश में कहा गया कि अभियुक्त सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए तब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, यानी कि हैंग टू बी टिल डेथ, लेकिन उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुष्टि
ना की दी जाए। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को कई धाराओं में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को कई धाराओं में और भी आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 महीने और सजा बढ़ा दी जाएगी। वहीं पीड़िता की माँ बाप ने कहा कि इतनी जल्दी जो हमें न्याय मिला है उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अभियुक्त के वकील योगेश तिवारी ने कहा कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए सजा हुई है। आगे हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है ये देखना होगा। इतनी जल्दी आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी आपको न्याय मिल जाएगा? उम्मीद तो नहीं थी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पिंटू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मथुरा से। पिंटू, कहा जाए कि वाकई जो पीड़ित परिवार था कानून पर पूरा भरोसा जताया और आखिरकार इतनी जल्दी एक फैसले पर आना वाकई बड़ी बात है। थाना जैत में परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अक्टूबर को, और इसमें रिपोर्ट दर्ज कराते ही पुलिस जांच कर रही थी और जो नाबालिग 10 वर्षीय नाबालिग की किशोरी इसकी हत्या करके छिड़ दिया था। इस पर कोर्ट में मामला चला। इसकी सरकारी वकील अलका मंडू जी थी। इसमें आज मथुरा न्यायालय ने फैसला सुनाया और 50,000 का जुर्माना और 317 और 300 में और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस भी आदेश दिया है कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पिंटू। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को जंगल में फेंक दिया गया था। मासूम 10 साल की बताई जा रही है, जिसके बाद तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर उस छानबीन शुरू की गई है और सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया है कि दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा हो, साथ ही साथ 50,000 रुपये अर्थदंड के लिए देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 साल की कठोर कारावास यहाँ पर आगे तय किया जाएगा। साथ ही साथ जो आरोपी का वकील है उसने साफ तौर पर कहा है कि जो भी फैसला है हम उसे मानते हैं, क्योंकि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। अब आगे क्या करना है ये देखना होगा। और अब खबर चमोली से, जहां गोपेश्वर मुख्यालय में मीट मार्केट के पास चल रहे अवैध गौ सदन में कई गांवों को मारने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से संचालित हो रहे गौ सदन में मवेशियों को इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है, जहां पर उनके खाने पीने के लिए कोई उचित व्यवस्था संचालक के द्वारा नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कई गायों के मरने का मामला सामने आया। प्रशासन ने संज्ञान लेने के बावजूद भी अवैध रूप से गौ सदन चल रहा है। जब इसके बावजूद नगर पालिका के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने इसे अवैध गौ सदन कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन प्रशासन के नाके नीचे चल रहे इस अवैध गौ सदन के खिलाफ ना तो कोई सामाजिक संगठन सामने आया और ना ही गौवंश के राग अलापने वाले NGO। बता दें कि नगर पालिका की ओर से लीसा बैन के पास गौ सदन बनाया गया था जो संचालित भी था, लेकिन कुछ समय पहले मीट मार्केट के पास बने अवैध रूप से इन मवेशियों को स्थानांतरित कर इनका संचालन शुरू कर दिया गया। लेकिन जब मवेशियों को चारा और पानी न मिलने के साथ ही इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे कई मवेशियों ने दम तोड़ दिया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला संज्ञान में आने पर पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कई मवेशियों पर विभाग के टैग लगे मिले। मवेशियों की जांच कर इतनी तो कर दी गई है, लेकिन मवेशियों पर लगे टैग की जांच पड़ताल नहीं की गई। आखिर ये मवेशी हैं किसके? विभाग की लापरवाही हो या गौवंश के राग अलापने वाले NGO, कोई भी खुलकर सामने नहीं आया, जिसकी वजह से अवैध रूप से यहां पर संचालित करे गौ सदन के संचालक के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मवेशियों के लिए बात आई है आपने अभी देखा होगा, अभी न्यूज चैनलों में भी और हमारे जो नगर क्षेत्र में अवैध जो गौ सदन के नाम से जो गौ सदन चल रहा है, सारी मवेशियाँ देखो गांव गांव से आकर के मवेशियाँ वहाँ पर, वो जो महिला है गौ सदन के नाम पे मवेशियों को लेकर आ रही है। तो हमारे नगर क्षेत्र के वो जानवर हैं वो तो आए दिन पूरे नगर क्षेत्र में घूम रही है। जो हमारा गौ सदन के नाम पर हमने नगर पालिका का बना हुआ है, हमारा यहाँ पर एक
लीसा बैंड के नीचे बना हुआ है, वहाँ पर जिसको नियुक्त कर रखा था हमने पूर्व, मुझे इतना पता नहीं है, पूर्व में अध्यक्ष जी ने किसी को रखा था, उसके लिए वहाँ पर हम चाय की व्यवस्था करते थे। हमने टीन सेट वहाँ पर बना रखा है, वहाँ पर हम पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, बिजली की व्यवस्था कर रखी है। और लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जमीन कब्जा के चक्कर में अन्यत्र हमारे जो नगर पालिका की जो गौ सदन गौशालाएँ हैं, गौ सदन के नाम पे वहाँ पर न रख करके अवैध जगह पर हमारे पशुओं को रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अवैध रूप से यहाँ संचालन हो रहा है गौ सदन का, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए गोपेश्वर मुख्यालय का ये मामला है। यहाँ पे भले ही नगर पालिका ने जो पुराना गौ सदन यहाँ पे बनाया था चलता था, लेकिन अतिक्रमण को लेकर, भूमि को जिस तरह से नगर पालिका में लगातार जो है अतिक्रमण हो रहा है, उसको लेकर जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है मीट मार्केट के नीचे जो है यहाँ पे जो है कुछ गायें बांधकर जो है खुले आसमान के नीचे, आप अंदाजा लगा सकते कि कोई इतनी कड़ाके की सर्दी भी पड़ी और खुले आसमान के नीचे ये गायें रह रही हैं। अतिक्रमण को लेकर जो है, भूमि अतिक्रमण को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। अपने नगर पालिका अध्यक्ष को भी सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अवैध गौ सदन है। तो कहीं ना कहीं जब गौ सदन को लेकर या गाय को लेकर, चाहे सरकारें कोई भी हो, सरकारें बहुत बहुत दावे, बड़े बड़े दावे करती है कि गाय को लेकर जो है बड़े बड़े राजनीतिक दल सामने आते हैं कि गाय की पूजा होनी चाहिए, गाय को माता का रूप दिया गया। लेकिन जनपद चमोली का जो मुख्यालय गोपेश्वर में है, वहां पर आपने देखा होगा खुले आसमान के नीचे जो गायें रह रही थी। हालांकि जमीन जिस तरह से जो अतिक्रमण को लेकर जो अवैध गौ सदन यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन नगर पालिका का जो गौ सदन था, बना हुआ गौ सदन था, उससे गायों को जो है ऊपर लाके, लेकिन बड़ी कार्रवाई तो हुई है। कल हमने इस खबर को उठाया है, और क्योंकि रातों रात, कल रातों रात इन गायों को जो है, जो नगर पालिका का गौ सदन है यहाँ पे जो है, इनको लाल, इनको जो है शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आए दिन जो अतिक्रमण की, जो भूमि अतिक्रमण की जो शिकायतें सामने आ रही थी, या गौ सदन, अवैध गौ सदन चलाया जा रहा था, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन चमोली जागा है, और उन्होंने जो है जहाँ पे नगर पालिका का जो गौ सदन बना हुआ था यहाँ पे इन गायों को रख दिया है। हालांकि नगर पालिका ने कहा, नगर पालिका ने, जैसे आपने देखा होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ इसकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो नगर पालिका करता है, लेकिन भूमि पुष्कर, ये जरूर कहा जा सकता है कि भले ही अवैध तरीके से गौ सदन चल रहा हो, लेकिन इसमें किसकी संलिप्तता है ये अभी तय नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि इस पर जांच जरूर की जाएगी। फिलहाल पुष्कर, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नारायणबगड़ प्रखंड के कंसौला गांव निवासी 25 वर्षीय 20 कलवार राइफल का जवान सूरज सिंह के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र और उनके गांव कंसौला में शोक की लहर छाई हुई है। तो वहीं शहीद जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक शहीद सूरज सिंह 20 कलवार राइफल में देश की सेवा और रक्षा में तैनात थे, और अभी वो पंजाब के भटिंडा में स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। कल देर शाम को उनके शहीद होने की सूचना परिजनों को मिली, जिससे सभी स्तब्ध रह गए। बता दें कि शहीद सूरज सिंह के पिता कर्ण सिंह असम राइफल में देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में असम के तेजपुर में तैनात है। वहीं शहीद सूरज सिंह के बड़े भाई पंकज सिंह भी आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हैं और वर्तमान में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। पंकज सिंह इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए हैं। ग्राम प्रधान कमला देवी ने कहा कि उनका बेटा और सूरज एक साथ सेना में भर्ती हुए थे और एक साथ दोनों ने शपथ ली थी, लेकिन आज ये दुखद खबर सुनकर वो बहुत दुखी हैं। और शहीद सूरज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सारा क्षेत्र और गाँव इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ है। कंसोला में बड़ी दुख की बात है, आज हमारे बेटे सूरज शहीद, देश के लिए शहीद हो गए। उनका परिवार बहुत दुख में है, मैं उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी हूँ। मेरे बेटे के ही साथ वो भर्ती हुआ था, एक साथ कसम परेड हुई थी। मेरे को भी बहुत पूरा क्षेत्र हमारा इस दुख में जुड़ा है, इतना आना जाना है उनके घर, कल रात से हम रो रहे हैं। सभी पर जो बीस गढ़वाल में कार्यरत था, वो आज जब शहीद हुआ तो हमारी इस बात को सुनकर के सारे गांव में, क्या परिवार में, क्या माथम छा रखा है, जो कि देश के लिए शहीद हुआ है। हमें एक तरफ से दुख भी है और उसके शहीद होने पर हमें खुशी है कि ऐसे चार बेटे मुझे और मिले तो देश के लिए शहीद हुए। बाकी
हम कुछ नहीं। चमोली में मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला और पुलिस अधीक्षक प्रवीण डोभाल के निर्देशन में सभी थाना चौकी प्रभारी द्वारा अपने अपने क्षेत्र के टैक्सी संचालकों और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय जनता को बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, मुख्य रूप से ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने, शराब का सेवन कर वाहन चलाने जैसी लापरवाहियों और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन करने और स्थानीय नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी स्कूलों में सुरक्षित यातायात को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ छात्र छात्राओं ने शपथ ली। देखो आज के समय में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वाहन बहुत तेज चलते हैं, तो इसलिए एक सरकार ने पहल करी है कि सभी को जागरूक किया जाए, वाहन चालकों हों, चाहे वो टू व्हीलर चलाने वाले हों, चाहे टैक्सी चलाने वाले हों, चाहे अपनी पर्सनल कारें चलाने वाले, कि वो यातायात नियमों का पालन करें। जब भी निकलें बिना कभी भी गाड़ी चलाते मोबाइल का प्रयोग ना करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं और हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और यही बात अपने बच्चों को जो दोपहिया वाहन चलाते हैं कि वो हमेशा हेलमेट पहने। तो इसमें सबको जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और सबको समझा रहा है कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धामी सरकार ने मंगलौर में 220 केवी का सब स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 131 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिजली घर से अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विद्युत सप्लाई में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। मंगलौर क्षेत्र को मिली सौगात से मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। विधायक ने बताया कि मंगलौर देहात क्षेत्रों में लोगों को विद्युत सप्लाई की बड़ी समस्या थी, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। आपको चैनल को और धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को कि उन्होंने मंगलौर के विकास के लिए जो हमें बिजली घर दिया है सर, 220 केवी का सब स्टेशन दिया है और उसकी लागत है 131 करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ा विकास मेरी हमारी विधान हम मंगलौर को मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को कि उन्होंने जो है मंगलौर के विकास में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मंगलौर की जो समस्याएं थी बिजली की उसको दूर करने का जो है फैसला लिया, उनके लिए बधाई के पात्र हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर 32 से बड़ा कोई सब स्टेशन नहीं था। गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे के उपरांत आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान दूर दराज से और अन्य जिलों से आए हुए सैकड़ों लोगों से एक एक कर उनकी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी है और संबंधित अधिकारियों को उनके मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का आदेश भी दिया। मथुरा की थाना राय क्षेत्र के गांव तिरावा में 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया की पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं रात को शादी में गया था, पूरा परिवार हमारा, घर पर हमारे ताऊजी और हमारी माता जी थी। जब हम रात को सुबह वापस आए लौट गए तो हमने अपने घर पर कुंडी हट गई तो हमारी अंदर से कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं आया। हम पड़ोस के घर से अंदर गए, घर में देखा तो हमारी माता ही मृत घोषित पड़ी। अब उनको ये आशंका है कि हमारी माता जी का मर्डर हुआ है। अच्छा, तो कोई चोट वोट की भी निशान है? चोट के हमको ये दिख रहा है कि किसी ने कि हमारी माता जी के संग। शादी में आप कहाँ गए हुए थे? आगरा गए थे हम शादी में। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ चुकी है। हरदोई जिले के अहिरोही ब्लॉक के 10 गांव के लोग मक्खियों का प्रकोप झेल रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन लाचार है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता और स्वस्थ मिशन इन गांव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। यहां मक्खियां लोगों के रिश्तों पर तलवार लेकर खड़ी हैं। कई बहुएं मायके लौट गई हैं, कई लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। कारण सिर्फ एक ही गाँव में इतनी मक्खियाँ हैं कि बैठना, उठना, खाना पीना बमुश्किल हो पाता है। थाना बेनीगंज और ब्लॉक अहिरोही में आने वाले 10 गांव बढ़ियापुरवा, कुइया, पट्टी डही, सलेमपुर, फतेहपुर, झालपुरवा, नया गांव, देवरिया और एक घरा ऐसे गांव हैं जहां मक्खियों का आतंक है।
सबसे ज्यादा आतंक बढ़ियनपुरवा में है। बता दें कि आज से 3 साल पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कर कमलों द्वारा एक पोल्ट्री फार्म मेन रोड पर खुला था, जिसको लेकर लगातार गांव के लोग आवाज उठा रहे हैं कि वहां की गंदगी की वजह से मक्खियों ने आसपास के कई गांव में जीना हराम कर रखा है। इस मामले को लेकर किसान यूनियन ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार प्रशासन से उनको सांत्वना दी, लेकिन हाल वही का वही है। बैरनपुरवा गांव में मक्खियां लगातार अपना आतंक फैलाए हैं। इस गांव में काफी सफाई दिखी, लेकिन हर घर में मरीज भी दिखे। कुछ बच्चियों ने कहा कि उनकी पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो गई है, खाना पीना मुश्किल है, रात में सोना मुश्किल है। कुछ अधेड़ युवकों का कहना है कि जब रिश्तों के लिए कोई यहाँ आता है तो उसकी मक्खियाँ इतनी चिपक जाती हैं कि रिश्ता तो दूर कुछ खाता पीता भी नहीं है, और ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारे गांव में कौन रहेगा। गांव की कई महिलाओं ने ये भी कहा कि उनके बेटों की शादी के रिश्ते नहीं आते, लोग आते हैं लेकिन उनका कहना है कि तुम्हारे गाँव में इतनी मक्खियाँ हैं, यहाँ मेरी लड़की नहीं रह सकती, और चले जाते हैं। एक बहू भी मिली जो अपना झोला उठाए अपने मायके जा रही थी। उसका कहना था कि इस गांव में वो नहीं रहेगी, जब मक्खियां चली जाएंगी तब वो यहां कर रहेंगे। मायके का है? काहे का परेशानी है? का परेशानी? परेशानी का मक्खी इतनी है, मक्खी में कहां खाना खाए मिले थे? बहुत ज्यादा मक्खी ना बनाए मिले थे ना खाए मिले थे, कैसा रही वो यहाँ? छोटे छोटे बच्चा है उनको ना है। शादी के कितने साल हुए तुम्हारे? 12 साल। तो मक्खी कब से है? मक्खी हो गए 3 साल, 3.5 साल। जब से फैक्ट्री खुली? और कहा तो अकेले कोई शासन प्रशासन कुछ कर रहा है कि नहीं? नगर पालिका आते हैं यहाँ? कोई आते हैं, कोई कुछ ना करते हैं, चले जाते देख के। गंदगी है, गंदगी पहले ना गंदगी। तो मैं बड़ियनपुरवा का निवासी हूँ। मेरा मक्खियों की वजह से ये पोल्ट्री फार्म फैक्ट्री की वजह से जो मक्खियाँ बड़ी हुई हैं उसकी वजह से मेरा 2 बार रिश्ता टूट चुका है। अभी 6 महीने पीछे एक रिश्ता टूट चुका है इसी वजह से, इन मक्खियों की वजह से। कोई भी और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।